क्या आप जानते हैं बिजनेस लॉ किसे कहते हैं? आईसीएसआई ने बिजनेस लॉ में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो सीएस के लिए, सीएस स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उसका करियर बनाने में बहुत ही बड़ा टूल साबित होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं बिजनेस लॉ किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, विच विल बी गोइंग टू कम फॉर 60 मार्क्स। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल एंड वंस अगेन वार्म वेलकम इन माय चैनल जीबी इन्फो टाइम। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, दैट इज बेल सब्जेक्ट का पार्ट ए एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट समझ लिया था। आई बिलीव कि आपको उसका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा जो 40 मार्क के लिए कवर होता है। अब हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस लॉ, जो पार्ट बी में बैठा हुआ है 60 मार्क्स के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बिजनेस लॉ को समझने से पहले ना हम लोग पहले ना लॉ को समझेंगे एंड देन हमें जो है बिजनेस लॉ आसानी से समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बिजनेस लॉ या फिर उसे कहिए मर्केंटाइल लॉ या फिर उसे कहिए कॉर्पोरेट लॉ, इससे रिलेटेड वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी जीबी इन्फो टाइम यूट्यूब चैनल में बनाया हुआ है और आप इसे जो है जीबी कॉर्पोरेट लॉ टाइम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, व्हाट इज बिजनेस कॉर्पोरेट और मर्केंटाइल लॉ के नाम से। तो चलिए हम लोग जो है बेसिकली ओवरव्यू जान लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली लॉ। चलिए बिजनेस लॉ, जैसा मैंने कहा बिजनेस लॉ को जानने से पहले हम लोग जो है लॉ को समझ लेते हैं। लॉ होता क्या है? टू गवर्न ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अनुशासन, बराबर क्या नहीं, अनुशासन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, ताकि आप कोई गलत काम ना कर सकें, जो सही है वही करें और जो गलत है वो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप वो करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लॉ मीन सिंपल है टू गवर्न ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अब अगर हम लॉ से पहले बिजनेस वर्ड डाल दें तो भैया ये तो सिंपल हो गया, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड। तो देखिए क्या है बिजनेस और मर्केंटाइल लॉ, कितना आसान है समझना। टू गवर्न एंड रेगुलेट, टू गवर्न एंड रेगुलेट व्हाट, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी ट्रेडिंग चल रही है, जो भी व्यापार चल रहा है, जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड वर्कआउट चल रहे हैं, उसको सिर्फ रेगुलेट करना है और गवर्न करना है, दैट्स इट, बिजनेस लॉ, आसान। तो चलिए बिजनेस लॉ इन जनरल हमने समझ तो लिया है। अब बिजनेस लॉ से रिलेटेड जो 60 मार्क्स बैठा हुआ है वो आखिर क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं और उस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कितना यूजफुल है एक सीएस स्टूडेंट के लिए वो जानते हैं। आइए बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ में अगर आप देखेंगे तो ये 6-7 जो नंबर डाले हुए हैं वो मैंने सीरीज में डाले हुए हैं, पार्ट ए से कनेक्टेड है इसके लिए। तो यहाँ पर बिजनेस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू लॉ। लॉ को आगे की लॉ को जानना तो पहले लॉ का बेस तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलेगा कि लॉ कहते किसको है, कहाँ से अराइज हुआ है, एनो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसका इंपॉर्टेंस मिलेगा, उसके सोर्सेस मिलेंगे, मैक्सिम्स मिलेंगे और सिटेशन ऑफ केसेस मिलेंगे। ये सारी बातें मैं आगे आपको बोलूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी सिर्फ आप समझिए बेसिकली कि यहाँ पर लॉ का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं क्योंकि लॉ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आगे की बातें हैं वो पर्टिकुलरली एक एक एक्ट है जिसके बारे में आपको बेसिकली बताने की कोशिश की गई है, जो आगे जाकर बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले है कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ इज नथिंग बट कंपनी एक्ट 2013। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, प्रोमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कैसे फॉर्म की जाती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, कंपनी मीटिंग्स, कंपनी सेक्रेटरी और ई गवर्नेंस के कंसेप्ट हम समझेंगे। ये सारी बातें हम आगे पढ़ने वाले, वैसे भी आपने 11th 12th में तो पढ़ा ही है। आगे बढ़ते हैं लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड LLP। LLP इसमें नया है। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और LLP एक्ट, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। यहाँ पर हम लोग जो है पार्टनरशिप डीड देखने वाले हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स देखने वाले हैं, फर्म को कैसे रजिस्टर किया जाता है, फर्म कैसे बंद किया जाता है, और लास्ट में LLP एक्ट का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट।
लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है आपको। उसमें हम लोग जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर एंड परफॉर्मेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे करते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या होता है, बेलमेंट एंड प्लेस क्या होता है, एंड लॉ ऑफ एजेंसी क्या होती है, ये हम आगे आगे समझेंगे। आप सिर्फ समझ के रखिए कि ये क्या है, ज्यादा डिटेल में जाने की प्लीज कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको ऊपर ऊपर की बातें लास्ट में बताने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग जो है चैप्टर क्या है और चैप्टर के अंदर कंटेंट हम क्या पढ़ने वाले वो जान रहे हैं। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट है लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स, ये कवर किया जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। यहाँ पर आप एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखेंगे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल देखेंगे, बेलमेंट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर एंड हायर परचेज देखेंगे, कंडीशन एंड वारंटीज देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स देखेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवियट एम्प्टर देखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देखेंगे, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये सब तो पूरा नया सुनने को मिल रहा है, पूरा बाउंस हो रहा है, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही लेकिन उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। डियर डोंट वरी, आपको बिजनेस लॉ समझ में आया ना, बिजनेस लॉ क्या है, बिजनेस को रेगुलेट करना, इतना समझ में आया ना डियर, तो ये धीरे धीरे अपने आप समझेंगे। यार कोई मैजिक की छड़ी तो है नहीं कि ऐसे घुमा दिया और एकदम आपको सब समझ में आ गया, नॉट पॉसिबल ना, ये तो आप भी जानते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे ना, सब चीज समझ में आ जाएंगी। और आपने एक बार सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कर लिया ना डियर, स्पेशली लॉ, तो आगे की जो एग्जीक्यूटिव लेवल प्रोफेशनल लेवल है उसमें बहुत बेसिक बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज पैनिक नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये कवर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। यहाँ पर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, मटेरियल अल्टरेशन क्या होता है, चेक्स क्या होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कैसे होते हैं, एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, आईटी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम साइबर लॉ का बेसिक समझेंगे, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो समझेंगे, उसके बाद उसका रेगुलेशन और एजुकेशन हम देखेंगे। एंड देन लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सीएस के लिए, जो जिसके लिए आप सीएस का कोर्स कर रहे हो भैया, कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट इज योर रोल इन अ कंपनी, दैट इज कॉल्ड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए जो भी सीएस कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 जो सीएस है एम्प्लॉयमेंट में क्या रोल है उसका, अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो एज एन सीएस, या फिर वो खुद की फर्म चालू करके जो है वहां प्रैक्टिस कर रहा है एज एन सीएस, तो वहां पर उसका क्या रोल बनेगा, क्योंकि जो कंपनी सेक्रेटरी आगे जाकर जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो आप जो हैं या तो जॉब करेंगे एज एन सीएस या तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे एज एन सीएस, ठीक है। तो ये हम बेसिकली समझेंगे, और उसके बाद सीएस के जो रोल हैं अदर लॉज में वो भी हम जानेंगे। तो चलिए एक शॉर्ट में हम लोग बिजनेस लॉ जो 60 मार्क्स का हमने अभी तक देखा था एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से लॉ हम सीखने वाले। तो सबसे पहले है कंपनी लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आप जो है कंपनी को ही हैंडल करने वाले हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट और एज एन प्रैक्टिस व्हाटएवर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप से रिलेटेड भी आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, एलएलपी के भी काम आपको मिलते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, यार कहीं भी करोगे तो काम करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है ना, मैंने आपको कोई काम दिया और आपने उस काम को एक्सेप्ट किया और वहां पर जो है मनी ट्रांजेक्शन भी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, जस्ट बेसिकली बता रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग हर जगह काम में लाने वाले हैं, चाहे आप एज एन एम्प्लॉयमेंट काम करो या एज एन प्रैक्टिस काम करो, तो कॉन्ट्रैक्ट जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो एक्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप कैश के बदले और भी चीजें देते हैं, चेक देते हैं, ड्राफ्ट देते हैं, राइट है कि नहीं, तो वो सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें वॉइड होती हैं और कौन सी चीजें वैलिड होती हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको इसलिए जानना जरूरी होता है ताकि आप समझ सकें कि अगर आप कोई चीज ऑनलाइन कर रहे हैं तो क्या क्राइम है, क्या क्राइम नहीं है, क्या ऑफेंस है और क्या ऑफेंस नहीं है,
और अगर आपने कोई गलती की है तो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि आज की तारीख में सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जानना भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लास्ट रोल ऑफ सीएस। तो ऐसे करके अगर आप देखें तो 6 से 7 जो है आपको जो है लॉ जानने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ रही हो मेरी बातें, तो कहीं ना कहीं कॉमर्स में आपने कंपनी सेक्रेटरी के बारे में सुना होगा और कंपनी एक्ट 2013 के बारे में सुना होगा। उसके अलावा कोई भी चीजें आपने, हाँ पार्टनरशिप भी सुना होगा, लेकिन उसके अलावा आपने कोई भी बातें नहीं सुनी होगी। तो ये था दोस्तों बिजनेस लॉ से जुड़े हुए चैप्टर्स और उसके अंदर के कंटेंट। आगे जाकर हम डिटेल में ये सारी चीजें सीखने वाले हैं बहुत ही आसान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। आई बिलीव कि आपको ओवरऑल बेल बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ से जुड़े हुए कंटेंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।